गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं कांग्रेस के बुजुर्ग नेता खुद को जवान कहलाने को आतुर क्यों नजर आते हैं। कमलनाथ का महिला दिवस पर अभी तो मैं जवान हूं जैसा बयान देना अशोभनीय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि बगैर सिंधिया के कांग्रेस शून्य है। अभी तो मैं जवान हूं। कमलनाथ के महिला दिवस के मौके पर इस बयान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी निंदा की और कहा कि इस तरह महिला दिवस में कहना शोभा नहीं देता, मैं इसे ठीक नहीं मानता। पता नहीं कांग्रेस के बुजुर्ग खुद को जवान बताने में क्यों लगे हुए हैं। इनके जवान बनने के चक्कर में पूरी कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। ये कभी जैकलीन के साथ तो कभी मंच से ही जवान बताकर कूद जाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर कांग्रेस शून्य है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह देते हुए एक प्रयोग करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वह दूसरा और कोई कार्य कैसे कर पाएगी। दरअसल में ये दोनों लोग अपने आप को जवान साबित करने मैं चाहत कहूं या उसे कहूं प्रदर्शित करने की उसमें पूरी कांग्रेस को बूढ़ा कर दिया इनने। सागर में एक बार मंच से कूदे, कभी जैकलीन, कभी अभी मैं जवान हूं, उम्र हो गई तो क्या हुआ, महिला दिवस पर ऐसी बातें, पता नहीं उन्हें क्यों शोभा देती, मुझे तो शोभा नहीं देती। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भामरे कर दिए, 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर नरोत्तम मिश्रा ने बजट को लेकर कहा कि कोरोना की विपत्ति के बाद भी किस प्रकार से सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की प्रशंसा सभी ने की है। हमें कांग्रेस की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने हर देश के हित में कार्य करने पर सवाल उठाए हैं, फिर चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, CA हो, NRC हो, EVM हो या फिर न्यायालय हो। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को लेकर कहा कि जल्द ममता दीदी जाएंगी, वहाँ BJP की सरकार बनेगी। कांग्रेस तो यही कहेगी और कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दरअसल में हम मानते हैं कि मीडिया ने क्या लिखा, हम मानते हैं अर्थशास्त्री क्या बोले, हम मानते हैं व्यापार जगत क्या बोला, चैम्बर क्या बोली। आप देखिए इतने सारे लोगों ने इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के काल में इस बजट की तारीफ की है। बाकी तो हम कितना भी अच्छा करें, जब वो 370 की आलोचना कर सकते हैं, जब वो सेना की आलोचना कर सकते हैं, जब वो स्वाभाविक रूप से EVM की आलोचना कर सकते हैं, जब स्वाभाविक रूप से वो चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, न्यायालय की आलोचना कर सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें उनसे। काफ़ी चिंता का विषय है सरकार का। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक ले रहे हैं, उसके प्रकोशन और एहतियात यूज किए जा रहे हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक पुनः किया जा रहा है, अभी लगातार कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया अब तो स्कूटी का गिरना तय है, आचार संहिता के बाद तो संभालने वाले भी चले गए होंगे, बहुत जल्दी सरकार चली जाएगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।